हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी बॉक्स ऑफिस। इस वीडियो में जानेंगे थलापति विजय लियो और मास महाराजा रवि तेजा की टाइगर नागेश्वरा मूवी। इन दोनों मूवी जब इंडियन बॉक्स ऑफिस में रिलीज किया जाएगा तो फर्स्ट डे में कितना करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं लियो मूवी के बारे में। लियो मूवी फर्स्ट डे यानी ओपनिंग डे पर इंडियन नेट कलेक्शन कर सकती है लगभग 60 करोड़ रुपीस। इसी के साथ फर्स्ट डे की इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो जाता है 70 करोड़ और 80 लाख रुपीस। फर्स्ट डे ओवरसीज मार्केट से लियो मूवी कलेक्शन कर सकती है 30 करोड़ रुपीस की। लियो फिल्म फर्स्ट डे में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इंडिया ओवरसीज मिला के टोटल 101 करोड़ रुपीस। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइगर नागेश्वर राव मूवी फर्स्ट डे में इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है 15 करोड़ रुपीस की। फर्स्ट डे इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो जाता है लगभग 19 करोड़ और 50 लाख रुपीस की। फर्स्ट डे ओवरसीज मार्केट में कलेक्शन कर सकती है लगभग 5 करोड़ रुपीस की। दोस्तों, मास महाराजा रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव मूवी फर्स्ट डे यानी ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है 24 करोड़ और 50 लाख रुपीस। दोस्तों, थलापति विजय लियो और मास महाराजा रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव, इन दोनों मूवी में से कौन सा मूवी होगा बॉक्स ऑफिस में हिट और कौन सा मूवी होगा फ्लॉप, आपको क्या लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट करना ना भूलेगा। इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो में कर दो लाइक। मूवीज़ बॉक्स ऑफिस चैनल पर आप पहले बार हो तो प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले कोई और वीडियो में।